हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, RTE 2009 शिक्षा का जो अधिकार है। तो इसका हमें डिटेल से एनालिसिस करना है, डिस्कशन करना है। हो सकता है ये हम एक पार्ट में कवर ना कर पाएँ, तो हम दो या तीन पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से हमें इसको समझना है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको इस अधिनियम और इस अधिकार के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं उनका आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है RTE एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RTE का फुल फॉर्म क्या है। RTE का जो फुल फॉर्म है वो है राइट टू एजुकेशन RTE, यानी कि शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक जो बालक है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसी से संबंधित ये जो नियम है वो कब यहाँ पर पारित हुआ था अधिनियम, ये 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, इसका जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान से सुन लेना है। RTE एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार, RTE का जो पूरा नाम है वो है राइट टू एजुकेशन। और ये जो एक्ट है उसका मूल उद्देश्य है कि जो छात्र कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है, उनको सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। लास्ट ईयर CTET में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ था कि कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष की उम्र के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब हम थोड़ा और इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, 2009 में, सन 2009 में। इसके अलावा इससे संबंधित हमें और भी चीज़ें याद रखना है, जैसे कि सर्वप्रथम 20 जुलाई 2009, ये डेट आपको याद रखना है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। 20 जुलाई 2009 को सर्वप्रथम ये जो एक्ट है उसका बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। कहाँ पर पेश किया गया था, राज्यसभा, ये जो उच्च सदन होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। और राज्यसभा में सबसे पहले ये बिल जो है RTE एक्ट का कब प्रस्तुत किया गया था, 20 जुलाई 2009। इसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत करने के बाद 4 अगस्त 2009, ये डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, आपको याद रखना है कि 4 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इस बिल को मंजूरी दे दी गई, मतलब कि संसद द्वारा, सदन द्वारा ये बिल कब पारित किया गया, 4 अगस्त 2009 को ये बिल तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा ये बिल संसद में पारित किया गया, 4 अगस्त 2009। इसके आगे जो 13 फरवरी 2010 को ये जो बिल है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मंजूर किया गया। देखिए, जो शिक्षा संबंधी कार्य हैं और शैक्षणिक संस्थान हैं केंद्र सरकार के जो अधीन होते हैं, शिक्षा विभाग, उसको हम बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ये शिक्षा विभाग को देखता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उस समय इसके जो कैबिनेट मंत्री थे वो थे कपिल सिब्बल। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कपिल सिब्बल के माध्यम से 13 फरवरी 2010 को यह बिल इस मंत्रालय के द्वारा मंजूर किया गया। कौन से मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके द्वारा 13 फरवरी 2010 को यह बिल कपिल सिब्बल द्वारा मंजूर किया गया। और इसके आगे बढ़ते हैं, 22 फरवरी 2010 यानी कि 13 फरवरी के उस दिन बाद 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि उस समय कौन था राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि ये जो अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। ध्यान से आपको ये इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखना है, 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया, यह घोषणा की गई कि ये अधिनियम कब से लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। और इस तरह से जो आरटीई एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010। तो यहाँ पर आपको जो डेट्स हमने बताई हैं वो एक बार हाईलाइट कर दें। सबसे पहले 20 जुलाई 2009 इस डेट को सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को ये राज्यसभा द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई, राष्ट्रपति द्वारा भी मंजूरी दे दी गई। इसके बाद 13 फरवरी 2010 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री थे कपिल सिब्बल, इनके द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी दी गई। इसके बाद 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा से देवी सिंह पाटिल ने ये अनाउंसमेंट किया कि इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से 1 अप्रैल 2010 से ये एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया। तो इतनी ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो आपको याद रखना है। अब हम इसके बारे में और जो चीज़ें हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, इसका पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009, भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। कब पारित किया गया, 2009 में, 4 अगस्त 2009 को। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया। मूल उद्देश्य क्या था कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 45 में, तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, कौन से अनुच्छेद में, 45वें अनुच्छेद में, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए की गई है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तथा 86वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल निचोड़ के रूप में लिया हुआ है इस एक्ट को, और जितनी भी चीज़ें हैं सबका हमने यहाँ पर, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया है, सबको समाहित किया है कि कुछ भी रह ना जाए। यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 45वें अनुच्छेद के द्वारा, कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। और इसका उद्देश्य क्या था, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का, ये याद रखना है आपको, 21 ए भी बोल सकते हैं हम इसको, और या फिर 21 का भी बोल सकते हैं, मैं प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों का मूलाधिकार बना दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में, तो 86वें संविधान संशोधन में। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 21 ए के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो ये आरटीई जो एक्ट है वो कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लागू नहीं किया गया था, बाकी राज्यों में इसको लागू किया गया था। इसके बाद 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे है, निजी स्कूलों को 6 से 14 साल तक के 25% गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाने होंगे। तो यहाँ पर आपको वेटेज याद रखना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स को मुफ्त पढ़ाना होगा, 25% गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना होगा, किनको, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको। इन बच्चों से फीस वसूलने पर 10 गुना जुर्माना होगा।
तो याद रखना है कि अगर इनसे फीस वसूली जाती है जबरन तो 10 गुना जुर्माना होगा, और शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता निरस्त होने पर स्कूल चलाया गया अगर तो 1 लाख, कितना 1 लाख, और इसके बाद प्रतिदिन यानी रोजाना 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जितने भी स्ट्रेंथ है, जितना भी छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उसमें 6 से 14 साल के 25% जो बच्चे हैं उन गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट संस्थान फीस लेता है, जबरन फीस वसूलता है, तो फिर उनकी 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। जितना फीस वो वसूलते हैं उसका 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर ये शर्त वो मंजूर नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता भी जा सकती है, और मान्यता जाने के बाद भी अगर स्कूल चलाया जाता है तो 1 लाख रुपए और जुर्माना लगेगा, और जब से मान्यता रद्द हुई उसके बाद हर दिन का जो जुर्माना होगा वो होगा 10,000 रुपए प्रतिदिन का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई। जो स्वस्थ बच्चे हैं, जो विकलांग नहीं हैं, उनके लिए आयु है 6 वर्ष से 14 वर्ष, लेकिन जो हैंडीकैप्ड हैं, किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए 18 वर्ष तक की उम्र है अगर उनकी, तो उनको इस एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चों के लिए एज क्या है लिमिट, इसमें 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग या दिव्यांग बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी कि यहाँ पर अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है, कुछ चीज़ें जो है केंद्र सरकार देखेगी, बाकी चीज़ों का जिम्मा किसके पास में होगा, राज्य सरकार के पास में होगा। इस विधेयक में 10 अहम लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व तो राज्य सरकार पर होगा, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उनको शिक्षा मुहैया कराना पड़ेगा। इसके बाद स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशा निर्देशों के अनुरूप और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होने और एडमिशन प्रक्रिया में लाल फीताशाही कम करना शामिल है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कही गई हैं कि जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, और एडमिशन की प्रक्रिया जो हो रही है उसमें लाल फीताशाही कम किया जाए। यानी कि ना तो एडमिशन के समय फीस वसूली जाए ज़्यादा गरीब बच्चों से, और कुछ लाल फीताशाही का काम चलता रहता है, यानी कि जिनकी थोड़ा बहुत पहुंच होती है वो एडमिशन ले लेते हैं इसके माध्यम से, और वास्तविकता में जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ पैसे वगैरह भर के या घूस देकर भ्रष्टाचारी के माध्यम से एडमिशन दे दिए जाते हैं कुछ संस्थानों के द्वारा, तो ये लाल फीताशाही कहलाता है, और इसको कम करना इसमें शामिल किया गया इस एक्ट में। इसके बाद प्रवेश के समय कई स्कूल कैपिटेशन फीस की मांग करते हैं। पहले एडमिशन दे देते हैं या फिर एडमिशन दे रहे होते हैं उस समय फीस की मांग करते हैं, और बच्चों और माता पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एडमिशन की इस प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इस विधेयक में किया गया है। बच्चों की स्क्रीनिंग और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 25,000 का जुर्माना लगता है, और दोहराने पर जुर्माना कितना हो जाता है, 50,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई कि कुछ जो संस्थान हैं वो मनमानी करते हैं, उन्हें एडमिशन नहीं देना होता है, तो या तो वो मोटी फीस वसूलने की बात करते हैं एडमिशन के समय, या फिर इंटरव्यू लिया जाता है छात्र का, तो ठीक है अभिभावक जो बड़े स्कूल्स होते हैं वो पेरेंट्स तक का यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं, अगर पेरेंट्स इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि अगर पेरेंट्स में कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं रखना है, क्योंकि घर का जो माहौल है वो पेरेंट्स के माहौल पे ही डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर बात कही गई है इस एक्ट में कि अगर अभिभावकों का यहाँ पर बच्चों की स्क्रीनिंग कराई जाती है या फिर अभिभावकों की परीक्षा ली जाती है तो 25,000 का जुर्माना लगेगा, और अगर ये काम दोहराया जाता है तो फिर ये जो जुर्माने की राशि है वो दोगुनी कर दी जाएगी। यानी कि कितना जुर्माना लगेगा, फिर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बात यहाँ पर इंक्लूड की गई है कि अगर कोई टीचर है वो गवर्नमेंट टीचर है, यहाँ पर एक बात और बता दें कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बाकी जो टीचर हैं जैसे कि गेस्ट टीचर्स होते हैं या फिर प्राइवेट टीचर होते हैं वो यहाँ पर ट्यूशन का वर्क कर सकते हैं, ऐसा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स को अगर पढ़ाना है तो उन्हें स्कूल में ही पढ़ाना है और निःशुल्क पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें किसी तरह की यहाँ पर छूट नहीं दी गई है ट्यूशन वगैरह में। इसके बाद लिखा हुआ है इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ, मतलब कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ हो, वो अपनी आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन करवा सकते हैं। तो अगर इस एक्ट के तहत नहीं आ रहे हैं तो भी वो एडमिशन करा सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं। इस एक्ट द्वारा छात्रों और शिक्षकों के मध्य अनुपात, स्कूलों की इमारतों, शिक्षकों के कार्य समय और स्कूल कार्य दिवस आदि के मानक और अंतर बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही डिटेल से उन्होंने इस एक्ट में बहुत सी चीज़ें सम्मिलित की हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि छात्र संख्या किस हिसाब से हो तो कितने टीचर्स स्कूल में होना चाहिए। जैसे कि अगर प्राइवेट प्राइमरी स्कूल है, कक्षा से 1 से 5 तक का स्कूल है, तो वहाँ पर 30 छात्रों पर एक जो टीचर है वो होना चाहिए। लेकिन अगर छात्र संख्या 200 से ज़्यादा हो जाती है, 200 से ज़्यादा छात्र हैं, तो फिर 40:1 के अनुपात में जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर का रेशियो होना चाहिए। ध्यान दें, एक बार फिर से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो निर्धारण किया गया है वो कुछ इस तरह से है, 30:1, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए प्राथमिक स्कूल में। अगर छात्र संख्या 200 से ज़्यादा है, कितना 200 से ज़्यादा है, तो फिर ये जो रेशियो है वो होगा कितना, 40:1, यानी कि 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य होगा। ये बात भी कही गई है। तो प्राइमरी स्कूल के लिए अलग से बताया गया है रेशियो, मिडिल स्कूल के लिए अलग से बताया गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कितने घंटे छात्र को स्कूल में देना है, कितने घंटे शिक्षक को स्कूल में पढ़ाना है, वो भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अगर प्राइमरी बच्चा है, मतलब कि छोटी क्लास का बच्चा है, तो उसको कम से कम 200 कार्य दिवस, मतलब कि 200 दिन उसको स्कूल में कार्य करना है, पढ़ना है, और टीचर को 200 दिन स्कूल में पढ़ाना है। और ये घंटे भी निर्धारित किए गए हैं, कितने घंटे, 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है वहाँ पर कुल कार्य दिवस कम से कम होना चाहिए 200 से कम नहीं होना चाहिए, और कुल घंटे कितना कार्य होना चाहिए स्कूल में, 800 घंटे कार्य होना चाहिए। अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो ये जो कार्य दिवस हैं बढ़ाकर 220 कर दिए गए हैं, और जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से ये हमें याद रखना है। और स्कूलों की जो इमारतें हैं, शिक्षकों के कार्य हैं, समय है, स्कूल कार्य दिवस हैं, ये मानक और अंतर बनाए गए हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, और भी अच्छे से हम डिस्कस आगे करेंगे इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आरटीई एक्ट विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है। देखिए, आरटीई एक्ट का मूल उद्देश्य क्या था कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है उनको क्या किया जाए, रोका जाए। क्या होता है कि जो छात्र गरीब होते हैं उनके माता पिता विद्यालय नहीं भेजते, क्योंकि उनके पास में इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो विद्यालय की फीस भर पाएँ, तो वो बच्चों से शारीरिक रूप से कार्य कराते हैं। और चूंकि अब वो छात्र स्कूल नहीं जा पाता है तो उसको मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया कि उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को उन्हें सहन ना करना पड़े। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया। देखिए, वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति इसमें लागू की गई है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर टीचर्स को पढ़ाना होगा, ना कि टीचर को केंद्र में रखकर पढ़ाई कराई जाए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा। यह एक्ट बच्चे के संपूर्ण विकास, ज्ञान क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने,
तथा बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए बनाए। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। इस एक्ट के माध्यम से बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाएगा, उसको ज्ञान प्रदान किया जाएगा, उसकी क्षमताओं को उजागर किया जाएगा और सशक्त बनाया जाएगा और प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। इसके बाद आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आरटीई का फुल फॉर्म, आर मतलब राइट, टी मतलब टू और ई मतलब एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरा नाम बताइए, तो दूसरा नाम है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था, आरटीई एक्ट भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और लागू कब हुआ था, प्रभावी कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को ये यहाँ पर प्रभावी हुआ था। शिक्षक और नियम के लिए कुछ जिम्मेदारियाँ यहाँ पर प्रदान की गई हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षक के नियम और जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं? इस प्रावधान के अनुसार यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या औसत होने के बजाय छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात हो। जिस अनुपात की अभी हमने चर्चा की हुई थी वही बात की गई है कि ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या औसत होने की बजाय छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात होगा। यानी कि जैसा कि अभी बताया था 30:1 या 40:1 या फिर अगर हम मिडिल स्कूल की बात करें तो वहाँ पर 35:1 ये रेशियो रखा गया है। तो वही बात कही गई कि छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात हो। यह प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो प्रकार के क्षेत्रों में स्कूल्स होते हैं, एक होता है सिटी लेवल पे, एक होता है रूरल ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में अधिक टीचर दे दिए जाएँ, अगर ऐसा होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या कम रहेगी और वहाँ पर अध्यापन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यह प्रावधान किया गया है कि जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे कि बैलेंस बना रहे। यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ, ये बात आप अच्छे से समझना कि गैर शैक्षणिक कार्य जो होते हैं, मतलब कि ऐसे कार्य सरकार के जो कि शिक्षण से संबंधित नहीं हैं, उनमें शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपनी सेवाएं इन शिक्षकों को देनी पड़ेंगी, जैसे कि जनगणना जो कि 10 वर्षों में होती है, तो अभी 2011 में हुई थी और 2021 में होना है। तो इस जनगणना में ड्यूटी लगाई जाएगी शिक्षकों की, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ड्यूटी उन्हें देना पड़ेगी, और आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में भी शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करता है। यानी कि जनगणना में उन्हें कार्य करना होगा, चुनाव इलेक्शन के समय उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको की ड्यूटी लगाई जाएगी, और आपदा प्रबंधन के समय भी उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। बाकी अन्य जगहों पर शिक्षकों से काम नहीं लिया जाएगा। आरटीई एक्ट उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना कुछ देखे, बिना कुछ परखे, बिना कुछ नॉलेज के किसी भी टीचर को लगा लिया जाए। प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड और शैक्षणिक योग्यता वाले, जिसने शैक्षणिक योग्यता पूरी तरह से प्राप्त की हो, जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं पात्रता के, उस पर खरा उतरता हो, ऐसे टीचर को ही नियुक्ति प्रदान करना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। तो फिलहाल चूंकि ये टॉपिक ज़्यादा लंबा है तो इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का जो पहला पार्ट है वो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आगे का जो हम इसका डेटा है वो लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम विकल्पीय क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।